24वां प्रश्न देखें कि एक रोलेंड रिंग की औसत त्रिज्या 15 सेमी है और इसमें 800 आपेक्षिक चुंबकशीलता के लौह चुंबक के क्रोड पर 3500 फेरे लिपटे हुए हैं। 1.2 एम्पियर की चुंबककारी धारा के कारण इसकी क्रोड में कितना चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए, हमें यहाँ पर इसकी जो औसत त्रिज्या है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। क्लियर। इसके साथ में इनकी जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है म्यू आर, इसका मान हमें दे रखा है 800 इकाई। क्रोड पर लिपटे गए जो फेरों की संख्या है वो है 3500। इसमें से बहने वाली जो धारा है वो हमें दे रखी है 1.2 एम्पियर और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। क्लियर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बी बराबर हम जानते हैं म्यू एन आई। देखिए, जब सेंटर में क्रोड में कोई प्राविद्युत माध्यम भरा हो, कोई चुंबकीय पदार्थ भरा हो, तो यहाँ पर म्यू एन आई आ जाएगा। म्यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? म्यू जीरो म्यू आर हम पुट कर सकते हैं। तो म्यू बराबर हम जानते हैं म्यू जीरो म्यू आर। अब देखिए, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कुल फेरों की संख्या बट्टे में कुल लंबाई। तो यहाँ पर भी हम एन की वैल्यू पुट कर देंगे, कैपिटल एन बट्टे में 2 पाई आर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू जीरो का जो मान है वो है 4 पाई × 10^-7। म्यू आर का जो मान है वो है 800। एन की जो वैल्यू है वो है 3500। आई का जो मान है वो है 1.2। 2 पाई आर की जो वैल्यू है वो है 15 सेंटीमीटर। और देखिए, यहां से जो कुछ कट पिट रहा है उसे हम काट पीट देते हैं। हमारे पास में जो कुछ भी वैल्यू निकल कर आ रही है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। चलिए, 0.8, 0.8 × 5600 × 10^10 हमारे पास में −7 + 2। तो यहाँ से देखिए हमारे पास में क्या रह जाएगा, 8, 48, 40, 44 गुणा 10^ −2। यहाँ से और निकल जाएगी तो −3 टेस्ला रह जाएगा। तो इसे हाँ, मैं विद्यार्थियों कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को एक बार जरूर देख लीजिएगा। सात सौ और 2 जीरो यहां से और निकलेंगे। क्लियर। तो 10^-1 ही रह जाएगी यहां पर, जिसे हम 4.48 टेस्ला कह सकते हैं। तो ये था अपना 24वां प्रश्न।